अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे आलू और पालक के पकोड़े। जैसा कि हम सबको पता है कि पकोड़े रमज़ान में हमारे दस्तरखान की रौनक बनते हैं, सो आज हम आलू और पालक के पकोड़े बनाएंगे। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक अदद आलू बारीक कटी हुई, एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, एक प्याली पालक बारीक कटी हुई, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक जायके के हिसाब से, मीठा सोडा 1 चुटकी, बेसन 1 से 1.5 प्याली। इन सब चीज़ों को आप अभी बड़े बर्तन में आप मिक्स करना शुरू कर दें। पालक, प्याज, आलू, बेसन, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और आप इन सब खुश्क मसाला जात को जो है वो आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एक साथ ऐड नहीं करना कि आपका बैटर जो है वो एकदम से पतला हो जाए। इन केस अगर बैटर पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन जो है वो और ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे और मीठा सोडा डाल के बैटर को फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में जो है वो आप ऑयल डाल के अच्छे से उसको प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद आप पकौड़ों को डालना शुरू करें। पकौड़े अच्छे गर्म ऑयल में आपने मीडियम फ्लेम करके फिर इसके अंदर डालना शुरू कर दें। जैसे ही एक साइड से पकौड़ों का कलर आपको हल्का सुनहरी होना नज़र आए तो आप जो है वो इसको पलटना शुरू करें। हल्के हाथों से पकौड़ों को पलटते जाइए। खूबसूरत से पकौड़े आपके तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।